नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में चला तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 29 आईपीएस का हुआ तबादला, 15 जिलों के एसपी भी बदले गए। अब दवाइयों के लिए इधर उधर भटकने की नहीं पड़ेगी जरूरत, बिहार के 27 जिलों में खुलेंगे औषधि भंडार केंद्र, जनता की परेशानी होगी खत्म। बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच करार, अब घर बैठे ऐप पर ही मिलेगा ट्रैफिक का पल पल अपडेट, जाम में नहीं फंसेंगे। बिहार के सभी ब्लॉक में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र, लगभग 30 लाख युवा ले सकेंगे प्रशिक्षण, सौरेगा युवाओं का भविष्य। नीतीश सरकार ने किसानों की कर दी मौज, धान और गेहूं के साथ इन दो फसलों पर भी मिलेगा एमएसपी। रंग बिरंगे चार्जर क्यों नहीं, आखिर व्हाइट या ब्लैक कलर ही क्यों होते हैं चार्जर, जानिए इसका खास वजह। और दलित ट्रॉफी मुकाबले में बिहार के लाल एहसान किशन ने कर दिया कमाल, ठोकी बेहतरीन सेंचुरी, क्या मिलेगा बांग्लादेश सीरीज में खेलने का मौका। अब खबरें विस्तार से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। इस भर्ती में जर्नलिस्ट पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। वहीं अकाउंट्स पदों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट एवं मैनेजमेंट अकाउंट्स में बैचलर या मास्टर डिग्री, एमबीए, पीजीडीएम, फाइनेंस या एमकॉम होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 साल होना चाहिए और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 29 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। 16 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया है। पटना के तीनों सिटी एसपी के साथ साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा के सिटी एसपी भी बदल दिए गए हैं। नए डीजीपी की तैनाती के बाद बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में व्यापक बदलाव किए हैं। जिन जिलों में एसपी का ट्रांसफर हुआ है उनमें नालंदा, नवादा, बक्सर, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, जमुई, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण और लखीसराय शामिल है। राज्य के 27 जिलों में औषधि भंडार किए जाएंगे स्थापित। राज्य सरकार ने 27 जिलों में औषधि भंडार केंद्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहले चरण में 20 जिलों में औषधि भंडार केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 7 जिलों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक औषधि भंडार केंद्र की स्थापना पर 85 लाख रुपए खर्च होंगे। बता दें कि पहले चरण में औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया और पश्चिम बंगाल में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बिहार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा। 18 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 29 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और नए नाम जोड़ने के लिए 1 जनवरी 2025 को अर्हता निर्धारित की गई है। 24 दिसंबर तक सभी आपत्तियों और दावा का निपटारा किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को सभी आंकड़े और सूची अपडेट कर प्रकाशन के लिए तैयार कर दी जाएगी और अंतिम सूची 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित की जाएगी। अब ऐप पर मिलेगा ट्रैफिक का पल पल अपडेट, अब ट्रैफिक से जुड़ी हर जानकारी बस एक क्लिक में होगी उपलब्ध। अब आपको घर बैठे ही मोबाइल पर एक क्लिक में ही ये पता चल पाएगा कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं उधर ट्रैफिक जाम है या नहीं। दोस्तों बता दें कि बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण करार हुआ है, जिसके तहत एक नया स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से वाहन चालकों, राहगीरों को ट्रैफिक से जुड़ी पल पल की जानकारी मिलेगी।
एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने बताया कि इस ऐप के जरिए अगर रोड पर ट्रैफिक, सड़क पर रुकावट, धरना प्रदर्शन होगा तो इसका अपडेट सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। ऐप में सड़क पर स्पीड ब्रेकर, अस्पताल, ट्रामा सेंटर, पेट्रोल पंप की जानकारी भी मिलेगी। राज्य के सभी प्रखंडों में खोले जाएंगे कौशल विकास केंद्र। बिहार सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के सभी प्रखंडों में नए कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। श्रम संसाधन विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में बिहार के 2.5 दर्जन प्रखंडों में कोई कौशल विकास केंद्र नहीं है, जिससे स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण लेने के लिए अन्य प्रखंडों में जाना पड़ रहा है। विशेष रूप से रोहतास, गया, जमुई, अरवल और चंपारण जैसे जिलों में इसी कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए हर प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। सिवान के DRCC में रोजगार का आयोजन। सिवान के DRCC में 14 सितम्बर को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। खास मौके पर चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस रोजगार कैंप में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये कैंप जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा और इसमें जो अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे उन्हें छपरा, सिवान और गोपालगंज में काम करने का अवसर मिलेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी पिंकी भारती ने इसकी जानकारी दी है। राज्य में धान, गेहूं के अलावा दलहन और मक्का भी खरीदेगी सरकार। अब धान और गेहूं के अलावा दलहन और मक्का की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी और इस साल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है। साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान की खरीद 1 नवम्बर से शुरू होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने बीते दिन इसकी जानकारी दी है। सरकार ने अमीनों को दी नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए अमीनों को नई जिम्मेवारी सौंपी है। अब से अमीन ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करेंगे और इसके साथ ही हर अमीन को प्रतिदिन ऑनलाइन भूमि सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में कम से कम 100 खेसरा की एंट्री करनी होगी। बीते दिन जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने इस संदर्भ में सभी अमीन कानून को और शिविर प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का शेड्यूल जारी। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए परीक्षा शेड्यूल और नामांकन की अंतिम तिथि की घोषणा कर दी गई है। यदि आपने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द आवेदन करिए। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 सितंबर से 24 सितंबर तक होगी। वही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की मासिक परीक्षा 23 सितंबर से शुरू होगी। कक्षा 9वीं और 10वीं की मासिक परीक्षा 26 सितंबर तक चलेगी, जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं की मासिक परीक्षा 30 सितंबर तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि परीक्षाएँ पारदर्शी तरीके से और समय पर आयोजित की जाएँ। व्हाइट या ब्लैक ही क्यों होते हैं चार्जर, जानिए। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर जो चार्जर का कलर होता है वे ब्लैक ही क्यों होता है, व्हाइट ही क्यों होता है, तो हम बताते हैं आपको। बता दें कि व्हाइट चार्जर इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद रंग की रिफ्लेक्टिव क्षमता अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, जिससे चार्जर पर बाहरी गर्मी का असर कम होता है। और ब्लैक चार्जर इसलिए होता है क्योंकि काला रंग हीट को अधिक बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करता है। कुल मिलाकर स्मार्टफोन चार्जर के रंग का चुनाव लागत, स्थिरता और हीट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने विद्यालयों का किया निरीक्षण। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सारण में सरकारी विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बेंच पर बैठकर उनकी पढ़ाई का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने स्कूल के मिड डे मील खाकर गुणवत्ता जांचा और बच्चों से शिकायतें सुनी। कुछ बच्चों ने बताया कि उनकी उपस्थिति की स्थिति में गड़बड़ी है, इस पर आश्चर्य जताया और शिक्षक से उपस्थिति पंजी की मांग की, जिसे बारीकी से जांचा। विद्यालय की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
सभी ट्रेनों में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे कैमरे। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब देश भर की ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की कुल संख्या प्रति ट्रेन 8 होगी और ये कैमरे जो है इंजन के सामने, कोच के कॉरिडोर में और ट्रेन के बाहर लगाए जाएंगे। इस पहल के तहत सभी राज्यों के डीजीपी को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। प्रति कैमरे की लागत 1,000 से 1,200 रुपये तक आ सकती है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह रोहतास जिले के विक्रमगंज कोर्ट में हुए पेश। बीते दिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर अभिनेता पवन सिंह रोहतास जिले के विक्रमगंज कोर्ट में पेश हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सिंह के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। आरोप है कि काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते समय उनके प्रचार काफिले में निर्धारित संख्या से अधिक वाहन शामिल थे, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इसी मामले में समन जारी होने के बाद पवन सिंह कोर्ट में पेश हुए। बिहार सरकार होम स्टे योजना में मिलेगा 2.5 लाख का ब्याज। मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार के 15 जिलों को 28 प्रमुख पर्यटन स्थलों के पास स्थित घरों को पर्यटकों की मेजबानी करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि ये योजना जो है 6 अगस्त से शुरू हुई थी और इसमें सरकार ने ये तय किया है कि वे घरों के कमरों के नवीनीकरण के लिए लिए गए ऋण पर 2.5 लाख रुपए तक का ब्याज वहन करेगी। ये ब्याज 5 साल की अवधि तक चुकाया जाएगा। इसके अंतर्गत घर का मालिक एक बार में 6 कमरे तक किराए पर दे सकता है। बिहार के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज से 14 सितंबर तक पूरे प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। खासकर राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वर्तमान में 7 जिलों में समस्तीपुर, बेगूसराय, सिवान, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज तड़क के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बोकारो से पटना जा रही बस से 283 बोतल शराब बरामद। बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके राजौली के चित्रकोली पंचायत स्थित समेकित जांच चौकी पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां बोकारो से पटना जा रही एक शिव गंगा बस से 283 बोतल अंग्रेजी शराब एवं बियर बरामद की गई। इस मामले में बस के चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद SI संगम कुमार विद्यार्थी और ASI अमित कुमार ने इस सघन जाँच के दौरान इस बड़ी मात्रा में शराब को पकड़ा है। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। पितृपक्ष मेला में ऑटो और ई रिक्शा किराए की दरें निर्धारित। पितृपक्ष मेला जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की किराए की दरें तय कर दी हैं। इस दौरान प्रीपेड ऑटो और ई रिक्शा के लिए 4 घंटे के लिए 500 रुपये, 6 घंटे के लिए 750 रुपये और 8 घंटे के लिए 900 रुपये निर्धारित किए हैं। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी चालक निर्धारित दरों से अधिक किराया लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। CM नीतीश ने सीताराम येचुरी के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पूर्व सांसद सीताराम येचुरी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय सीताराम येचुरी का निधन न केवल समाज बल्कि राजनीति के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सीताराम येचुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि महासचिव सीताराम येचुरी ने बीते दिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आखिरी सांस ली। तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य की मांग को लेकर NDA पर बोला हमला। बीते दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचकर 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है और अब केंद्र सरकार ने भी इसे ठुकरा दिया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा का दिमाग घुटने में है।
जेडीयू ने 243 सीटों के लिए प्रभारी किए नियुक्त। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष रह गया है, ऐसे में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जो है तेज कर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से सीधी संवाद करना शुरू कर दिया और पार्टी के भीतर एकजुटता की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने भी अपनी तैयारियां में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जेडीयू ने बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए सभी प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और पार्टी के निर्देशों के अनुसार ये प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों को मजबूत करने में जुट गए हैं। दलीप ट्रॉफी के मुकाबले में ईशान किशन का शानदार प्रदर्शन। बीसीसीआई ने भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का नाम शामिल नहीं है। भारतीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को चुना गया है। इसी बीच बिहार के लाल ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के मुकाबले में एक बेहतरीन सेंचुरी ठोक दी है। उनकी इस बेहतरीन पारी ने न केवल उनकी टीम को मजबूती दी है बल्कि भारतीय क्रिकेट में उनकी वापसी की दावेदारी को भी पुख्ता किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई ईशान किशन के इस प्रदर्शन को किस तरह से आंकता है। ईशान किशन के प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश सीरीज में उन्हें खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप इसका जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 40 लाख हिंदुओं और मुसलमानों की पारस्परिक हस्तांतरण का सुझाव दिया था। आज के दिन 2000 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने सेनियार में पहला फिडे शतरंज विश्व कप जीता। आज के दिन सन 2008 में दिल्ली में तीन स्थानों पर 30 मिनट के अंतराल पर एक के बाद एक चार बम विस्फोट हुए, इनमें 19 लोगों की मृत्यु और 90 से अधिक लोग घायल हो गए थे। आज के दिन सन 1978 में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ भारती पवार का जन्म हुआ था। और आज के दिन सन 1928 में भारत के प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक का निधन हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री ने लॉन्च किया नेबा 2.0। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस का 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के माध्यम से अब आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही को सीधे लाइव देख पाएंगे। इस ऐप में 23 भाषाओं का समावेश किया गया है, जिससे देश के विभिन्न भाषाई जनसंख्या को सुगमता से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही इस मौके पर सीएम प्रखंड परिवहन योजना के ऋण वितरण की भी शुरुआत की गई। सेंसेक्स 83,000 के रिकॉर्ड स्तर को किया पार। गुरुवार को बीएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स ने 1439.55 अंक यानी 1.77% की जोरदार छलांग लगाते हुए 83,000 के पार पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 470.45 अंक या 1.89% की मजबूत बढ़त के साथ 25,388.90 अंक पर बंद हुआ। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 428.83 अंक के उछाल के साथ 81,951.99 अंक और निफ्टी 154.1 अंक चढ़कर 25,072.55 अंक पर खुले थे। इस बढ़त को देखते हुए निवेशकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में से आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया? ऑप्शन ए है प्रीतिलाल, ऑप्शन बी है हरविंदर सिंह, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोनों को। हाल ही में आईआईटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है आईआईटी गुवाहाटी और ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। इसका सही आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा।
गंडक नदी घाटी परियोजना किस देश के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही आंसर होगा नेपाल। धुआकुंड जलप्रपात बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है हाजीपुर और ऑप्शन डी है दरभंगा। इसका सही आंसर होगा सासाराम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, संजय कुमार शर्मा, कल्याणी चौधरी, रामनवमी माझी, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, विद्यासागर, संजीव कुमार, विनय कुमार, मोतीलाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।